दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेल्टा SMPS के अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगा है उसके बारे में हम सारा जानकारी इसमें देंगे। तो जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये डेल्टा का ये SMPS है। तो एक्चुअली ये 2500 एम्पियर का है और इसी का हम इसके बारे में जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में सारा हम बताएंगे। तो जब आप बाहर से देखेंगे तो ये SMPS कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो जो कम रेटिंग का होगा इससे उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और जो इससे ज़्यादा रेटिंग का है 2500 से ज़्यादा का, उसका साइज बड़ा हो जाता है। और दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि ये SMPS 2500 एम्पियर का है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं रहता है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा SMPS कितने एम्पियर का है। तो खैर, अपने हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा है ये SMPS के इंटरनल पार्ट के लिए उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका दरवाजा खोलेंगे। तो ये जो है ये यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, इससे हम इसका दरवाजा खोल लेंगे। एक्चुअली नीचे भी रहता है इसका लॉक लगा हुआ, तो नीचे वाला मैंने ऑलरेडी पहले से ही खोल दिया है। तो इसको दरवाजा ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर का ये सारा इसका जो कंपोनेंट लगा है पार्ट्स वो दिखेगा। ये देखिए, ये सारा ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टेप वाइज देख लेते, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं, और मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे इसमें पावर आ रहा है, एसी पावर कैसे आ रहा है, फिर वो डीसी कैसे बन जाता है, उस हिसाब से मैं इसमें सारे कंपोनेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो ये है MCC भी है, ये MCC भी है, ठीक है। और इसमें ये इनकमिंग सप्लाई है, ये आपका LT पैनल या जो भी सप्लाई का सोर्स है वहाँ से ये इनकमिंग सप्लाई आता है। उसके बाद इसमें जो है ये आउटगोइंग है, तो यहाँ से ये आउटगोइंग निकलता है। ये देखिए, ये है, ये इसके आउटगोइंग है, ठीक है। तो इसके इनपुट में भी एसी सप्लाई आ रहा है और आउटपुट से भी एसी निकल रहा है। ये जो MCC भी है ये 4 पोल है, 3 फेस है और एक न्यूट्रल है, ठीक। उसके बगल में ये अर्थिंग के लिए स्ट्रिप लगा हुआ है, और ये है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। इसको मैं अलग से बता दूंगा किसी वीडियो में डिटेल्स में। तो ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, एक्चुअली ये सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसका कनेक्शन जो ये MCCB है इसके आउटपुट से कनेक्ट किया हुआ है, तीनों फेस और न्यूट्रल, L1, L2, L3 और न्यूट्रल, और ऊपर इसमें ग्राउंड कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसका ग्राउंड है, तो जो भी सर्ज वोल्टेज आता है इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ये इसको ग्राउंड कर देता है। और ये जो है ये टर्मिनल, ये इस रिले को, इसमें जो कंट्रोलर है लगा हुआ ये वाला, इसको सेंसिंग के लिए लगा हुआ है कि ये सर्ज प्रोटेक्टर, ये सर्ज डिवाइस सही है या खराब है, उसका इससे सेंसिंग मिलता है, ठीक। उसके बाद इसका जो आउटपुट निकलता है ये इसके नीचे MCB लगा हुआ है। एक्चुअली ज़्यादातर वीडियो लोग मोबाइल में ही देखता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को मोबाइल व्यू ही बना रहा हूँ। तो ये देखिए, इस MCB में ये तीनों फेस कनेक्ट रहता है। एक्चुअली जितना भी इसमें मॉड्यूल होता है, जैसे 30 मॉड्यूल है, तो 30 मॉड्यूल को ये क्या बोलते हैं, 10-10 करके तीनों फेस पे डिवाइड किया रहता है। तो उस तरह से इसमें ये MCB है, तो यहाँ भी AC सप्लाई आ रहा है। ये देखिए, ये नंबरिंग किया हुआ है, कुछ MCB ऑन है और कुछ ऑफ है। तो जितने मॉड्यूल का जरूरत पड़ रहा है उसके हिसाब से हमने इसको ऑन कर दिया हुआ है, और कुछ मॉड्यूल इसमें बंद है, वो स्टैंड बाय में रखा गया। तो यहाँ भी इस MCB के इनकमिंग में भी AC सप्लाई आता है। इससे जो आउटगोइंग निकलता है वो इस रेक्टिफायर के मॉड्यूल में जाता है। फेस और न्यूट्रल, ये जितने भी रेक्टिफायर है वो सब फेस और न्यूट्रल से ही ऑपरेट हो रहा है, सिंगल फेस का है ये। और इससे जब आउटपुट निकलता है तो वो आपको DC मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक AC सप्लाई आता है इनपुट में, और यहाँ से फिर DC निकलता है। तो ये इसका इनपुट आपको समझ में आ गया, ये MCB में आता है पैनल से सप्लाई, और MCB से आउटपुट, सॉरी MCC भी आई है, और यहाँ से सप्लाई इस MCB में डिवाइड कर दिया गया है। वो कितना मॉड्यूल लगता है उसके हिसाब से तीनों फेस पे ये डिवाइड कर दिया जाता है, और जितने भी मॉड्यूल है सबके लिए ये सेपरेट MCB एक एक लगा है, ताकि एक मॉड्यूल बंद करना हो तो हम एक MCB को बंद करेंगे, वो मॉड्यूल बंद हो जाएगा। तो इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है।
अब जो ये जितने मॉड्यूल है इसके सारे पॉजिटिव को और सारे निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे इस लाइन का है तो इसके पीछे बैक प्लेन लगा रहता है, उसमें बैक प्लेन में ये सारे पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और निगेटिव को एक साथ, तो इसके दो टर्मिनल बन जाता है। टोटल जितने भी रेक्टिफायर मॉड्यूल है सबको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जाता है। पैरेलल में इसलिए किया जाता है कि पैरेलल में कनेक्शन करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज उतना ही रहता है। तो पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जाता है और उसको एक बसवार जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ उसको भी दिखाने का। ये देखिए ये पीछे की तरफ जो बसवार है इसमें, ये देखिए ये वाला और ये वाला, तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसमें आके सारे मॉड्यूल कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उस बसवार से ये निगेटिव में जो है इसका जो पॉजिटिव है बैटरी में पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया जाता है और ये निगेटिव में ही सारा लोड या जो फ्यूज कनेक्शन है वो होता है। तो पॉजिटिव भी ग्राउंड करने का लॉजिक है तो वो भी हम बता देंगे किसी वीडियो में, लेकिन अभी मैं इतना चीज बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको किसी एक अलग टॉपिक में लेके हम बता देंगे। तो पॉजिटिव तो इसका सबका कॉमन हो गया, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है पॉजिटिव को। उसके बाद जो निगेटिव सप्लाई आता है वो निगेटिव सप्लाई एक तो बैटरी में जाता है। अब जैसे ये है, ये जो ये बस बार ये बैटरी के लिए है और ये इसका संट हो गया, ये वाला पार्ट ये इसका संट है। संट के थ्रू ही करंट मेजर किया जाता है क्योंकि इतने मोटे मोटे बस बार आप कैसे लगा पाएंगे रिले में, इसलिए ये संट यूज किया जाता है, ठीक है। और ये संट के इनपुट में ये मॉड्यूल से जो वायर आया है एक साथ करके ये बस बार वो कनेक्ट हो गया और इसके संट के आउटपुट से निकल के ये सब फ्यूज कनेक्ट है। ये जो देख रहे हैं ये जो ये दो फ्यूज हो गया और ये दो फ्यूज, ये चार फ्यूज, ये चारों फ्यूज जो है बैटरी बैंक के लिए लगाया हुआ है। जितना बैटरी बैंक यूज करना है, इस SMPS में एक्चुअली दो बैटरी बैंक यूज किया गया है, इसलिए इन दोनों फ्यूज को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है और इन दोनों को भी पैरेलल में कनेक्ट करके, ये देखिए ये और ये पैरेलल में कनेक्ट है इस बस बार से और ये वायर निकल गया है। तो ये एक बैटरी बैंक के लिए हो गया और ये जो फ्यूज है इसमें भी इसको पैरेलल में कनेक्ट करके एक वायर निकाल दिया गया, तो ये दूसरे बैटरी बैंक को चला गया। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। MCCV के बारे में, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस मॉड्यूल का और ये फ्यूज का, तो ये इसमें 2500 एम्पियर का है तो ये चार बैटरी बैंक लगाने के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें दो ही बैटरी बैंक लगा है इसलिए इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों को भी पैरेलल में कनेक्ट करके इसके साथ बैटरी बैंक कनेक्ट कर दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये ऊपर जो है ऊपर वाला फ्यूज है तो ये इस पे लोड डालना होता है, या तो इससे आप DC/DC से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हैवी लोड वाला जो मक्स होता है रैक डिवाइस जो होता है उसको डायरेक्ट इस फ्यूज में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये देखिए ये टोटल जो है बैटरी बैंक वाला फ्यूज आपको टोटल इसमें 2500 एम्पियर का ये पावर प्लांट है और इसमें टोटल 630 एम्पियर का आउटपुट में 6 फ्यूज लगा है। ये देखिए ये 630 एम्पियर है इस फ्यूज का रेटिंग, पहला दो तीन चार पाँच और 6 फ्यूज। तो इसमें देखिए इसमें दो ही वायर फ्यूज में कनेक्ट है तो ये दोनों DC/DC में जाके कनेक्ट कर दिया गया है, बाकी फ्यूज खाली है। मतलब जब और भी डिवाइस होगा तो इसमें कनेक्ट किया जाएगा। और एक्चुअली इसमें क्या किया गया है कि इन दोनों फ्यूज का आउटपुट निकाल के DC/DC में कनेक्ट कर दिया और DC/DC से सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इस तरह से मोटा माटी मैंने जो जितने भी इसमें डिवाइस है वो सारे इसके अंदर जो कंपोनेंट लगा है उसके बारे में मैंने बता दिया। और एक मेन चीज रह गया इसका कंट्रोलर, ये जो इसके कंट्रोलर है ये है, तो ये तो अंदर में है लगा हुआ इसका ये कंट्रोलर, ये सारा कंट्रोल इसको यही कंट्रोलर करता है, कितना वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज अप करना है, डाउन करना है, जो भी आप प्रोग्राम डालेंगे उसके हिसाब से ये वर्क करता है और जो भी फॉल्ट आता है वो सारे इस पे उसको ये मॉनिटर करता है। उसके बाद ये देखिए ये टर्मिनल है, ये अलार्म के लिए यूज किया जाता है, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि इस अलार्म टर्मिनल को आप कैसे कनेक्ट करेंगे और कौन कौन सा अलार्म कहाँ से आपको मिलेगा, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ
इस टर्मिनल का जो अलार्म कनेक्शन है उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखिए। उससे आप क्लियर हो जाएगा कि इस अलार्म टर्मिनल से आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये इसके मेन पार्ट है, और इसमें एक पार्ट और है जो आपको दरवाजे पे मिलेगा, ये इसके डिस्प्ले है। तो अंदर का जो कंट्रोलर है, तो अंदर का जो कंट्रोलर है उसका सारा डाटा आप इस डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो इस डिस्प्ले को लगाने का एक यही फायदा हो जाता है कि बार बार इस एसएमपीएस का आपको दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा, और यहाँ से आप दरवाजा बिना खोले हुए सारे अलार्म चेक कर सकते हैं और सारा डाटा चेक कर सकते हैं। अब इसमें है कि इसका पासवर्ड क्या होता है, कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए भी मैंने एसएमपीएस का पासवर्ड क्या है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसका फ्लोट वोल्टेज कैसे चेंज करेंगे, बूस्ट वोल्टेज कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके और एसएमपीएस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखिए, बहुत सारे डेल्टा एसएमपीएस और भी जो एसएमपीएस है उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा और सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।